हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। क्या सिडनास की शादी देखना चाहती है हिमांशी खुराना? खैर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। बिग बॉस सीजन 13 की पॉपुलर जोड़ियों की बात की जाए तो इनमें सबसे टॉप पर तो सिडनास का ही नाम रहा है, लेकिन हाँ, बिग बॉस सीजन 13 के जरिए दो और जोड़ियां काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। जी हाँ, ये जोड़ी और कोई नहीं बल्कि असीमांशी और पाहेरा की जोड़ी है, जहां एक तरफ असीमांशी यानी कि आसिम रियाज और हिमांशी खुराना ने खुलकर अपने रिश्ते को एक्सेप्ट किया है, तो वहीं सिडनास जो है वो एक दूसरे को एक दूसरे का अच्छा दोस्त ही बताते हुए नजर आते हैं। लेकिन वही हाल ही में हिमांशी खुराना ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया है सिद्धार्थ शुक्ला से, जिससे मानो ऐसा लग रहा है कि क्या ये सवाल सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ही है। दरअसल हाल ही में हिमांशी खुराना से पूछा गया कि वो अगर एक सवाल करना चाहेंगी शहनाज से तो वो सवाल क्या होगा, और अगर वो एक सवाल करना चाहेंगी सिद्धार्थ से तो वो सवाल क्या होगा। इस पर शहनाज के लिए तो हिमांशी कहती हैं कि मैं शहनाज से ये पूछना चाहूंगी कि वो हर किसी के साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली क्यों हो जाती हैं, हर किसी के साथ इतना ज़्यादा ओपन क्यों हो जाती हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये हार्मफुल हो सकता है। उसके बाद सिद्धार्थ पर बात करते हुए वो कहती हैं कि मैं उनसे यही पूछना चाहूंगी कि वो शादी कब करेंगे, वो शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, पहले सवाल पूछा गया था शहनाज को लेकर उन्होंने ये सवाल किया कि वो इतना फ्रेंडली क्यों हो जाती हैं, इतना ओपन क्यों हो जाती हैं, तो वहीं सिद्धार्थ को लेकर उन्होंने शादी पर सवाल कर दिया। भाई, अब ये सवाल उनको शहनाज के बारे में बोलने के बाद सूझा या फिर पहले से ही उनके माइंड में था, पता नहीं। लेकिन भाई, फैंस तो यही कह रहे हैं कि हिमांशी ने ये जो सवाल किया है बिल्कुल सही किया है। आपको क्या लगता है, ये सवाल सही है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रही हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।